अभी जा रहे हैं घर, शाम का टाइम है, सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, मैं भी कांप रहा हूँ और मामू डबल कांप रहे हैं। मामू डबल कांप रहे हैं, चलते हैं घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी आसिम राजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ मौजूद है मामू जुबैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इसको लेके जा रहा हूँ अपने साथ, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल स्टेट से होते हुए जाना है ददोछा डैम, जहाँ पे डैम तामीर होगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे ग्रे हाउंड रेस, कारी कुत्तों की रेस हो रही है, वहाँ पे जाएंगे हम लोग। आगे देखे क्या आगे आप लोग को दिखा आगे आप लोग आगे जो अल्लाह करेगा। अच्छा भाई, मामू अभी पटवारी में बात करने लगे हैं, इन्होंने किसी को कुछ दिखाना है। ये शेखपुरा नाल जगह ही है, ये चैम्बर रोड अगे ही है। ये उठते देखो, ये कुछ अरसा पहले इतने कुछ भी नहीं था, होने तो कोई इस पास है। ये बिल्डिंगा बनी गई, प्लाजे बनी गए। चलो हूँ अगर थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता सजे पास जी जगह है, इसकी असा लोग आखने से डक और खब्बे पास साइड पे शेखपुर गांव है। ये अभी मेन रेलवे लाइन है, ये हमारे लेफ्ट साइड पे जो है ये रावलपिंडी से आ रही है, और राइट साइड पे ले जाए तो ये लाहौर कराची को जा रही है। ट्रेन नहीं आ रही, बस ट्रेन अभी फिलहाल नहीं आ रही, चले तो आगे टाइम नहीं। हाँ चले चलो। तो भाई चैम्बर रोड से होते हुए हम लोग ऐसी प्यारी खूबसूरत जगह आ गए, इसकी डिटेल देंगे मामू खुद, और मैं आप लोग को खाली व्यू दिखा दूँ। ये वो जगह है जहाँ पे डैम बने, चेक करो यार, ये जगह है जहाँ पे डैम बनेगा, ये जगह है यहाँ डैम बनेगा, बन रहा है, बन रहा है। रुक गए, अभी काम रुका हुआ है, अभी काम रुका हुआ है, काम इसका अभी रुका हुआ है। तो ये पता ये चला कि यहाँ के वो सामने जो गांव नजर आ रहा है ना, ये है भरवाला गांव। सही, ठीक है। अगर यहाँ डैम बनता है ना तो वो पूरा गांव बीच में आता है। सही, तो उन लोगों ने स्टे करवाया हुआ है कुछ इनके। अच्छा, जमीनों जमीनें ये सामने जितनी जमीनें नजर आ रही है ना, ये सब उनकी है। यहाँ पे इनके कब्रिस्तान भी है बीच में, वो भी बीच में। अगर यहाँ डैम बनेगा तो फिर उनका मतलब समझ लो गांव भी, गांव भी, कब्रिस्तान वगैरह जो कुछ भी सब कुछ जाएगा बीच में, कब्रिस्तान भी बीच में जाएगा। दूसरा यह है कि यहाँ से चंद किलोमीटर पीछे ना जी, वहाँ भी जगह है, वहाँ भी बन सकता है, वो बिल्कुल वीरान जगह है, वहाँ पे आस पास गाँव भी नहीं है इतने। लेकिन अब तो आधा से ज्यादा बना हुआ है ना, बना हुआ है ना, ये कुछ इन्होंने किया हुआ है, अब तो काम कर दिए। अब गवर्नमेंट को भी लॉस होगा, और फिर अगर उनकी जमीनें या गाँव तबाह किए जाए तो फिर उनका भी लॉस है। अच्छा, यहाँ पीछे फैक्ट्रियाँ भी है ना, सो ये बॉटल्स पड़ी हुई हैं, पता नहीं, खाली बॉटल है। मेन चीज़ है जो व्यू दिखाना था मैंने आप लोग को, ये दिखाना था। यहाँ पे होना चाहिए घर, वो देखो वो सामने घर बने हुए, सामने अच्छे खुले खेत, फिर यहाँ आपको मिल जाएगा पानी, फुल देसी स्टाइल ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये बड़ा खतरनाक है यार, बिस्मिल्लाह, ब्रेकें फेल हों तो बंदा तो जाए। इस वक्त पहुंच गए हैं डैम में, ये पानी के बिल्कुल पास। तो मामू थोड़ा सा बता रहे हैं कि सिनेमैटिक शॉट्स कैसे ले, सो उनकी निगरानी में मैं जा रहा हूँ सिनेमैटिक शॉट्स लेने, और चेक करो। जैन में नीरा में अब ज्यादा ही है कि ये जो पानी आ रहा है ये जी बरसाती नाला है, ये बरसाती नाला, और इसको कहते हैं लिंग लिंग। हाँ, ये लिंग, ये इधर ऊपर पहाड़ी इलाके कोटा साइड से इस तरफ से पानी आ रहा है, और ये आगे जाके द्रैसवां जो आ रहा है उसमें जाके गिरता है। द्रैसवां में पानी देख के मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि हाथ मारो, साफ है ना, मार लो, पानी साफ है, ये बड़ा दिल चाह रहा है। पानी पर नहीं देखा जाता, मुचरा नहीं जाता, मछलियाँ भी हो सकती हैं। ठंडा ठंडा पानी, ठंडा है मामू, बहुत ठंडा पानी है भाई। मामू ध्यान से, पत्थर का कलर ये हरा हो गया है ना, वो ये है, ये इसी तरह ही देख, अब इसके बीच में देखिए टाइल्स टाइप है ना। चले आगे चले,
आ जा। दिल तो बहुत कर रहा है कि यहाँ मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ, गर्मियों में आओ तो यहाँ पे नहाने का मजा आएगा, नहाने का मजा आएगा इंशाल्लाह। गर्मियों में चक्कर लगा तो जरूर आएंगे और नहाएंगे भी। अच्छा भाई, इस वक्त हम लोग आए हुए हैं शिकारी कुत्तों की रेस पे। ये देखो ग्राउंड बना हुआ है, ट्रैक बना हुआ है, मामू लेके आए हैं मुझे। सो अभी ये रेस देखेंगे, इसका एक प्रॉपर व्लॉग बनेगा जो कि कल आ जाएगा इंशाल्लाह। आज का ये सीन है, पहले हम लोग गए डैम में और अब हम लोग यहाँ आगे कुत्तों की रेस पे नीचे गए हुए थे। इसका एक प्रॉपर अलग से ब्लॉग बनेगा, वो इंशाल्लाह कल आ जाएगा। बाकी आप लोग खाली व्यू चेक करो, ये पहाड़ भी है, फिर यहाँ इतना अच्छा ग्राउंड, ये सामने वो सामने नदी जा रही है, रोड नहीं है। बरसाती नाला लिंग, ये देखे बरसाती नाला लिंग है। ये सामने जो गांव नजर आ रहा है ये खानपुर गांव है, ये ऊपर है, ये दोछा गांव है। अच्छा भाई, वहाँ कुत्तों की रेस भी हम लोग देख के आ गए वापसी डैम में। ये डैम का पानी वगैरह ये तो पहले भी दिखा दिए, अभी जा रहे हैं घर। शाम का टाइम है, सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, मैं भी कांप रहा हूँ और मामू डबल कांप रहे हैं। मामू डबल कांप रहे, चलते हैं घर। ऑलराइट गाइस, तो इस वक्त जो है मैं आ गया हूँ अपने घर वापसी। आज जो है मैं बहुत थक गया हूँ, मामू लेके गए थे, बड़ा मज़ा आया है। एक तो ये व्लॉग, इसमें शायद आप लोग को ना भी मज़ा आया हो डैम वाले में, कल वाले में मज़ा आएगा क्योंकि कल जो देखोगे वो है कुत्तों की रेस। बड़ा मज़ा आया था, शिकारी कुत्ते थे वो बहुत आला थे, ज़बरदस्त। आज की वीडियो ना किसी की फरमाइश पे थी, यूके से फरमाइश थी कि हमें वो चैम्बर रोड वगैरह दिखाएं, तो हम लोगों ने उनको दिखा दिया। इसी तरह कुछ दो तीन कमेंट्स और भी लगे थे फूड व्लॉगिंग लाइक स्ट्रीट फूड हो, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं आपकी वो भी फरमाइश पूरी करूँगा, फूड व्लॉगिंग जल्दी आएगी। मज़ीद अगर आप लोग की कोई भी फरमाइश है तो काइंडली मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, तो इंशाल्लाह मैं आप लोग के लिए वैसी वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखें अपना ख्याल, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।